पूरी तरह से सरकार आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई, आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई, स्टेट स्पॉन्सर्ड करप्शन, राज्य संपोषित भ्रष्टाचार। मुख्यमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी के पूरे परिवार को लाभान्वित करने का काम लीज प्रकरण में झारखंड की जनता ने देखा है। उनके इर्द गिर्द जितने सागिर्द हैं, वो सागिर्द आज जेल में हैं। मुख्यमंत्री जी थोड़ा, आज 3 साल हो गया, थोड़ा ये बताने का कष्ट कीजिए कि पंकज मिश्रा से आपके कौन से संबंध रहे हैं। आपको यह बताना पड़ेगा कि पूजा सिंघल का जो फाइल आपके टेबल में पड़ा हुआ है, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करने का, उसको आपने क्यों रोक के रखा है? आपको बताना पड़ेगा अमित अग्रवाल नाम का शख्सियत कौन है और उसके साथ आपके क्या संबंध है। जो अमित अग्रवाल के पास संपत्ति है, वो संपत्ति झारखंड से लूट करके तो नहीं बना है, इसका भी आपको स्पष्टीकरण देना चाहिए। दुर्भाग्य है आज केवल ऊपर ही नहीं, जितने ट्रांसफर पोस्टिंग के, भारत में सबसे ज्यादा अगर ट्रांसफर पोस्टिंग कहीं हुआ है तो इस राज्य में हुआ है। नौकरशाह को खुली छूट दी गई है कमाने के लिए, और कमा करके उसकी अवैध कमाई में हिस्सेदार कौन बन रहा है, ये भी मुख्यमंत्री जी को बताना चाहिए। इसलिए तो ब्लॉक से लेकर के सीओ ऑफिस तक से लेकर के थाने तक भ्रष्टाचार की परम प्रकाष्ठा पहुंची हुई। और क्यों पहुंची है मुख्यमंत्री जी, इसका भी थोड़ा उल्लेख करना चाहिए। मुख्यमंत्री जी को बताना चाहिए कि शराब के मामले में भारत झारखंड की सरकार को राजस्व का कितना नुकसान हुआ है, इसका दोषी कौन है? कौन है वो छत्तीसगढ़ का व्यापारी है? कौन है वो छत्तीसगढ़ का व्यापारी जो शराब माफिया के रूप में यहां पर आकर के झारखंड के राजस्व को कम करने का काम किया? ये भी मुख्यमंत्री जी को बताना चाहिए। कोयले की लूट की छूट, और जो गरीब बेचारा आज घर बनाने के लिए संकट के क्षण में बैठा हुआ है बालू के कारण, बालू प्राप्त नहीं हो रहा है। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो बालू खुलेआम बिकती थी, और आज कालाबाजारी से गांव का गरीब भी अगर घर बनाना चाहता है तो उसको कालाबाजारी से बालू लेना पड़ता है। प्रकृति प्रदत्त जो चीजें झारखंड को मिली है, चाहे वो पानी हो, पहाड़ हो, पर्वत हो जिसको हम कहते हैं, इन सारे चीजों को, खनिज संपदा हो, पूरी तरह से लूटने और लुटवाने वाला काम झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस की सरकार ने, आरजेडी की सरकार ने मिलजुल कर किया। हम प्रकृति के पूजक हैं, झारखंड भी है, लेकिन अवैध कटाई हो रही है वनों की, अवैध खनिज संपदा की खुदाई हो रही है, और ये पहली बार हो रहा है कि तस्करी झारखंड से बाहर विदेश में किए जा रहे हैं, बांग्लादेश तक भेजे जा रहे हैं। दुर्भाग्य मेरे दोस्तों, आज तो कहने के लिए बहुत चीजें हैं, लेकिन समय का अभाव आपके पास है, मेरे पास है, इसलिए संक्षेप में मैं इतना ही कहना चाहता हूं। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।